चमोली से इस वक्त हमारे पास है बड़े हादसे की खबर है। करंट लगने से कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आशंका इस बात की है कि कई लोगों की जान गई है। अलकनंदा नदी के पास करंट लगने से यह हादसा हुआ है और इस करंट की जद में आकर कई जख्मी भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए ये बड़ी खबर है, चमोली से इस वक्त करंट लगने से कई लोगों की मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अलकनंदा नदी के पास ये हादसा बताया जा रहा है, कई लोगों के झुलसने की खबर भी वहां से सामने आ रही है। अब कैसे ये हादसा हुआ इसको लेकर डिटेल्स आनी बाकी। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर है, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है कहा जा रहा है। करंट लगने से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अलकनंदा नदी के पास ये हादसा हुआ है ये कहा जा रहा है। अब कई लोग इस हादसे में झुलसे भी है खबर, कहां के ये लोग हैं, किस तरीके से ये हादसा हुआ और इसको लेकर जो और जानकारी है उसको जुटाने की लगातार कोशिश। चमोली से बड़ी खबर, अलकनंदा नदी के पास ये हादसा हुआ है, करंट की चपेट में आने से कई लोगों की जान गई इसकी जानकारी सामने आ रही है। कई लोग झुलसे हैं ये भी बात सामने आ रही है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है करंट की जद में आकर और कई लोगों के झुलसने की भी खबर मिल रही है। अलकनंदा नदी के पास यह हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। उत्तराखंड के चमोली में तस्वीरें आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आप ये देखिए जो करंट की चपेट में आए कैसे उन्हें लाया जा रहा है एम्बुलेंस की तरफ, एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल ताकि उनको इलाज दिया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। हमारे संवाददाता लक्ष्मण राणा चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, इस सारे हादसे के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। जी सुबह घटना है कि एक अचानक करंट लगने से उसकी वहाँ पर मौत हो गई, जिसके बाद व्यक्ति के गांव के काफी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। नमामि गंगे का एसपी ब्रांच यहाँ पर था, अचानक उससे बड़ा धमाका हो गया जिससे कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जो है जाते और लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एम्बुलेंसों के माध्यम से जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया जा रहा है। कई लोग इसमें हताहत हुए हैं। कितने लोगों की जान जाने की खबर है लक्ष्मण, कितने लोगों के जान जाने की बात सामने आ रही है, कितने लोग हो सकते हैं जो झुलसे हो, जो इससे हताहत हुए हो? अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है 10 से 15 लोगों की अभी तक इसमें जान जा चुकी है और लगातार तो आता है वो बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग इसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं। लगातार तो घायल है उनको प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है मौत को लेकर, ये लक्ष्मण हमारे साथ ही जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मण, इतनी कितने लोग वहां पर मौजूद थे और कैसे एग्जैक्ट हुआ ये हादसा, कोई कुछ बता पा रहा है क्या? ये अलकनंदा नदी के किनारे एक्टिविटी प्लांट बना हुआ है जो और यहाँ पर मौत के बाद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गाँव के लोग पहुंचे थे लक्ष्मण हमारे साथ बने रहिए। आप एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस बड़े हादसे की खबर से अपडेट कर दें। यह हादसा चमोली में हुआ है, अलकनंदा नदी के पास हुआ है, करंट लगने से हादसा हुआ है और आप देखिए जो घायल हैं, जो झुलसे हैं उनको एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उनको इलाज दिया जा सके। आशंका इस बात की है कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है और कई लोग झुलसे हैं लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ, इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। करंट वहां पर उतरा नदी के पास और कैसे हुआ ये इसको समझने का प्रयास जारी है वहां पर, लेकिन करंट लगने की वजह से कई लोगों की जान जाने की आशंका है और कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। जो झुलसे हैं आप देखिए उन्हें कैसे एम्बुलेंस तक लाया गया और कैसे उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। और लक्ष्मण लगातार मौके से जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मण, अभी मौके पर कौन कौन पहुंचा है, कोई बड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचा जो जानकारी साझा कर पाए, दे पाए कि असल में वहां पर हुआ क्या था, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग हैं जो झुलसे हैं? लक्ष्मण का रुख करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जानकारी वहां से हम जुटाएंगे। देखिए लगातार सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता ये है वहां पर जो लोग झुलसे हैं उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। हालांकि कुछ लोगों की जान भी इसमें गई है ये कहा जा रहा है लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चमोली में यह हादसा हुआ, करंट लगने से कई लोगों के मौत की आशंका है और कई लोग झुलसे हैं इस हादसे में कहा जा रहा है। स्थानीय लोग वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सबसे पहले कोशिश यही की जा रही है कि लोगों की जान वहां पर और ज्यादा ना जाने पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।